हेलो गाइस, राम राम जी सभी को। कैसे भी आप सब, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले उठा था भाई, मैं उठ के अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। उठने के बाद नहाया धोया था। तो गाइस, अभी चल रहा है भाई सावन का महीना चल रहा है भाई। कांवड़ियों की दे मार मच रही है भाई। हरिद्वार से दुनिया भर के कांवड़िए चले हुए भाई, शिव भक्त चले हुए हैं। तो गाइस ये लगा लो, अब की बार तो हरिद्वार में बता रहे भाई इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है कि जो जितनी भीड़ पहले आ रही थी उससे तो कई गुना ज़्यादा भीड़ हो रही है अब। तो गैज मैं सोच रहा था भाई शिव भक्त हैं जो, उनसे मिलकाना चाहिए हमें, और हमें जाना चाहिए भाई वहाँ शिविर में। तो मेरी जाने की इच्छा थी भी, कई दिन से इच्छा हो रही थी। तो गैज मैं जा नहीं पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा तो मौसम में दिक्कत चल रही थी भाई, बारिश बारिश चल रही थी, तो इस कारण नहीं जा पा रहे थे। तो गैज अभी मैं सोच रहा हूँ भाई वहाँ जाएंगे, एक बार पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, खाना वाना खा के, और फिर निकलूँगा मैं गैज वहाँ के लिए। पहले पहुँचूँगा मार्केट में, मार्केट में अगर देखते हैं क्या कुछ रहता है वहाँ पे। तो गैज फिर चलते हैं शिव भक्तों के पास, मतलब कावड़ियों के पास। तो गाइज अपना भाई ब्रेकफास्ट हो गया है, खाना वाना खा के मैं रेडी हो चुका हूँ, और अभी मैं करता हूँ चलने की तैयारी, निकल लेते हैं। ये देखो भाई मेरी बाइक भी, भाई देखो गार में धसी पड़ी है, बारिश का मौसम है, बिल्कुल गंदी हो रही है। तो गाइज कोई नहीं, जैसा भी है, तो चलो निकलते हैं और पहुँच। तो भाई ये खेता में तो न्यार पाड़ के लाइए, उंगली लुकाई बैठी है, न्यार पाड़ गए, गठड़ी धर रही है रोड पे, और बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया मैं मौसम पहुंच है। चुका हूँ भाई मार्केट में। तो अभी मार्केट में तो पहुंच गया हूँ मैं, और अभी पहुंचता हूँ मैं स्टोर पे पहुंचू भाई। कई दिन हो गए संभाले, तो चलो भाई स्टोर पे पहुंचता हूँ। और स्टोर पे पहुंचने के बाद फिर हमने सोचा थोड़ी सी सफाई कर ला। तो भाई हमने एक तो थोड़ी सी जो कॉस्मेटिक आइटम थे वो हमारे सेट नहीं थे, उन पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम रही थी, तो सोचा भाई थोड़ा सा अपना सेटिंग वेटिंग कर ला। तो हमने ये सारे झाड़ जुड़ गए, देख एक नंबर के जचा दिए, गति दूर तक धरे सुथरे लागे हैं। भाई हमारी मंदिर की सफाई रह गई थी, तो सोचा चलो मंदिर की सफाई भी कर लेते हैं अभी तो साथ साथ। तो हमने भाई अपने ये देखो तो शिव परिवार है और हनुमान जी बैठे हैं, गणेश जी और शिव शंकर भगवान जी और हनुमान जी। अभी चलो इनको एक बार नहला देते हैं, धूल जम रही पे भी थोड़ी सी, चलो इनको भी। गर्मी का टाइम है भाई, ठंडे पानी में मज़ा आ गया होगा। देवी जी की मूर्ति रह गई है ये वाली, इस पर हमें पानी नहीं डाल सकते, इसको वैसे साफ करना पड़ेगा हमने, और बाकी हमारा सारा सिस्टम तैयार हो चुका है। या भाई हमारी जोत लाने की अभी धो दी हमने, हनुमान जी भी नहा दिए हैं, और भोले भंडारी का भी सामने महीना चल रहा है, कर दिया है, और भाई मंदिर की साफ सफाई चल रही है। और देखो भाई मंदिर सजा गए, मतलब साफ सुथरा कर दिया हमने एक नंबर का। तो गाइस हमने भाई अपना काम वाम कर लिया है, और हम हो गए हैं अभी फ्री। तो अभी फ्री हो गए भाई, अभी हम थोड़ी चाय वाय लेंगे, तो बलराम जी का वेट कर रहे हैं, तो चलो उसके बाद फिर हम चाय पी लेंगे। क्यों? तो भाई सुमित भी हमने हेलो कर रहे हैं। तो भाई एक बार अभी फ़ोन करेंगे बलराम जी के पास। तो गाइस हमारी भाई कॉफ़ी बन के हो चुकी है रेडी, तो अभी कॉफ़ी की थोड़ी थोड़ी सिप लेते हैं, और साथ में थोड़े से नट क्रैकर खा लेते हैं, ये भी हो गए। तो गाइस चलो, और भाई बलराम जी भी आ चुके हैं, और हमारी कॉफ़ी हो गई है रेडी, तो चलो गाइस कर लेते हैं टेस्ट एक बार। तो बाकी मेरी तो मेरा तो दूध है, बाकी कॉफ़ी है, क्योंकि मैं कॉफ़ी ना पिया करता भाई। तो गाइस मैंने भाई जो दवाइयाँ निकालनी थी वो निकाल ली हैं, और ये देखो भाई, तो इसमें भाई 2 इंची 4 इंची पट्टी होगी है, और सिप्लाडिन लिक्विड होगी है, और या ऑइंटमेंट होगी सिप्लाडिन वाली, और ये आई ड्रॉप होगी है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत रहेगा। जेल है ना, पेन किलर जेल। तो गाइस ये हो चुकी गाइस पेन किलर जेल। तो गाइस ये तो हो गया है, और ये तो ये इसमें कफ सिरप हो गए हैं, टैबलेट होगी, इंजेक्शन हो गए, थोड़ी सी और दवाई है इसमें। वो तो बात ठीक है भाई, सारा सिस्टम हो गया सेट है, सारी दवाई निकल गई है, पर समस्या एक और होगी भाई, मैं लेके कैसे जाऊंगा इनको, इतना सारा सामान हो गया है, तो अकेला हूँ मैं, पर लेके कैसे जाऊंगा। तो भाई चलो वो भी देखते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे, या तो पर हमको बुलाऊंगा, भाई आएगा और हम दोनों साथ में ले जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, या फिर भाई एक बैग
लेना पड़ेगा और दूसरी पॉलीथीन लेनी पड़ेगी बढ़िया वाली, तो उसमें डालना पड़ेगा। तो गाइस चलो देखता हूँ मैं जैसा भी शेड्यूल बनता है आपको। तो गाइस मेरा भाई सामान हो चुका है पैक, ये देखो। तो एक तो मैंने थोड़ा सा थैली में डाल लिया है और एक मेरा भर गया है बैग। तो गाइस कुछ बैग में आ गया सामान और कुछ आ गया थैली में। डाइक्लोग मतलब जेल वेल मालिश की ट्यूब है जो वो आ गई है थैली में। तो गाइस थोड़ा सा और सामान रहता है वो मैंने डालना पड़ेगा बाइक के साइड बैग में। तो गाइस चलो मेरा भाई पैकिंग वैकिंग हो चुकी है। तो गाइस चलो अभी मैं करता हूँ चलने की तैयारी और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और मैं अभी जाऊँगा। तो रास्ते में से मैंने एक भाई और पिक करना है जो मेरी हेल्प करेगा। तो चलो गाइस एक बार उसको भी पिक कर लेते हैं और मैं निकल रहा हूँ गाइस यहाँ से निकल चुका हूँ भाई और मैंने अपना सामान वगैरह ले लिया है, आगे रख लिया कुछ कुछ बैग में और कुछ साइड में थैले में है। तो गाइस मैं अभी यहाँ से हो चुका हूँ भाई रवाना और मेरे को अभी रास्ते में मिलेंगे भाई परम भाई मिलेंगे। तो मैं एक बार भाई को पिक कर लेता हूँ फिर हम दोनों साथ में निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस चलो अभी चलते भाई, परम भाई भी आ चुके हैं तो काफ़ी वेट करवा दिया है। तो चले चलो गाइस अभी निकलते हैं हम यहाँ से। तो गाइस ये बहुत ही शानदार चौक बना रखा है भाई यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सजा रखा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, क्योंकि यहाँ से ना कांवड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। और ये देखो भाई बहुत ही अच्छा चौक बना रखा है ये भाई शिविर में। तो चलो एक बार अंदर चलता हूँ और अंदर जाके दवाई दे देते हैं। तो चलो गाइस अंदर मिलते हैं, शिव भक्तों से जाके मिलते हैं एक बार। तो गाइस बैग में भी वजन ज़्यादा हो रहा है भाई और साथ में एक थैला भी हो रहा है। तो एक बार मिल लेता हूँ अंदर जाके, क्योंकि शिव भक्तों की भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी मात्रा में शिव भक्त आए हुए हैं। और एक बार जो यहाँ शिविर के इंचार्ज हैं जो इस शिविर को संभाल रहे हैं, एक बार उनसे मिल लेता हूँ, उनको दवाइयाँ सौंप देता हूँ और जो सेवा हमारे से होगी तो वो भी कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत किसी का करना होगा पट्टी पट्टी या ट्रीटमेंट कुछ करना होगा, देना दवाई बांटनी होगी तो उनको बांट देते हैं। तो मैं एक बार इनको सौंप देता हूँ गाइस ये दवाइयाँ। तो इस भाई के तो पैरा में छाले पड़ रहे हैं, इसको दर्द की मालिश वाली ट्यूब की ज़रूरत नहीं है भाई, इसको है पेन किलर टैबलेट की ज़रूरत है। तो इसको हम देते हैं पेन किलर टैबलेट ताकि इसका थोड़ा सा दर्द में आराम आ जाए, क्योंकि इस पर ट्यूब है जो मालिश वाली ट्यूब है वो कोई काम नहीं करेगी इसके। तो इसको ज़रूरत है भाई टैबलेट की, तो हमने इसको गोली दे दी भाई, भाई टैबलेट खा लेगा और अपना थोड़ा आराम मिल जाएगा इसने। तो इस बोले ने तो भाई पट्टी करवाने तो मना कर दिया, ये बोला मेरा खाली टैबलेट से काम चल जाएगा। तो दूसरे भाई के एक दूसरे बोले के पैरा में थोड़ा सा जख्म हो रहा है तो उसका हमने पट्टी करनी पड़ेगी। तो एक बार उसका थोड़ा सा जख्म देख लेते हैं। तो इसका तो भाई थोड़ा सा गहरा है जख्म लग रहा है मैंने, तो इसका तो पट्टी करनी पड़ेगी। तो पहले तो इसको एक बार साफ़ कर देते हैं, इसको जख्म को सिपरेट वगैरह डाल के एक बार इसको साफ़ कर देते हैं, फिर उसके बाद इस पर करेंगे हम पट्टी। ये देखो भाई हमने इस पर पट्टी करने की तैयारी कर दी है, तो एक बार इसका पट्टी कर देते हैं, बिटाडीन की पट्टी करनी पड़ेगी हमने इसके। तो इस बोले का तो भाई कुछ मतलब ज़्यादा दर्द हो रहा है इसका, तो एक तरह से आंगली कट कर थोड़ी सी साइड मारी थी। तो कोई नहीं गाइस, इसका भाई इसका पट्टी हो चुकी है। और इसके बाद भाई जो दूसरा भाई बैठा है यहाँ पे, इन किसे इन मतलब कोई आ रहा था भाई बांटने वाला, तो उन्होंने ORS बांटे थे। तो ORS में इस भाई ने आया नहीं स्वाद, इसने लगा खट्टा भाई, ठीक है, क्योंकि वो था थोड़ा सा दूसरे फ्लेवर शायद उसमें मैंगो फ्लेवर में था ये, तो इसमें मतलब उसने स्वाद नहीं आया। तो कोई बात नहीं गाइज, तो हम यहाँ से हो गए फ्री। और भाई इन भैया दे दी हमने मालिश करने वाली ट्यूब, ये भी बहुत दूर तार थे भाई कावड़िए, जो हरिद्वार से कावड़िए चल रहे हैं ना, शिव भक्त चल रहे हैं तो उनके पास पहुँच गए हैं। तो ये भोले आए हैं भाई कहाँ से, रोहतक से। हाँ ये भोले आए हैं भाई रोहतक से, और ये भी रोहतक से हैं, और ये भी तीनों रोहतक से हैं, मतलब पूरा ग्रुप है। तो अभी वो कौन सी कावड़ उठा रहे हो आप? हमने तो बंटी उठा रखे हैं जी, कलश उठा रखा है। हाँ इन्होंने वो टोकनी वाली कावड़ उठा रखी, कितना है इसमें जल? 6 लीटर जल है। 6 लीटर जल है, तो चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी पहुँच जाओगे आप। तो बम बम भोले, रात के 10 बज चुके हैं और ब्रह्म भाई भी पीछे तैयार खड़ा है। तो गए चलो अभी हम निकल रहे हैं भाई घर की साइड। तो गए घर पहुँच के और फिर मिलते हैं भाई, हमने दवाई जो देनी थी यहाँ हमने दे दी है। तो चलो गाइस अभी पहुँचते हैं घर। घर पहुँच के भाई का तीर डंग डंग पे, एक तो एक बढ़िया बढ़िया शिविर लग रहे हैं भोला की मतलब सेवा में। तो गाइस हम चल रहे हैं घर की साइड, बहुत ही सुनसान सा रास्ता है, कम से कम 10 किलोमीटर का रास्ता है, आडे नीचड़िया भी पर मारती है। तो एक बार हम घर आ पहुँच लें भाई घर, और अभी टाइम हो चुका है 11:15 बज चुके हैं गाइस।
तो चलो हाथ मुंह धो गए, अभी खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद करेंगे हम रेस्ट। तो भाई मम्मी ने दिया खाना मेरे ते, भिंडी की सब्जी सुबह की है, दाल बनाई थी अभी और चटनी मेरी फेवरेट है। मैं हो चुका हूँ अभी खाना वाना खा के फ्री, और मैं भाई गया था वहाँ, मतलब शिविर लग रहे थे जहाँ पे मैं गया वहाँ पे, तो भाई वहाँ पे मेरा ना बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भाई। ठीक है, वहाँ पे शिव भक्त मिले मेरे को, कावड़िए मिले, और मैं उनसे मतलब मिला भी और उनको दवाइयाँ भी मतलब बाटी, और कई कावड़िया के तभी पैरा में जख्म से हो रहे थे तो उनका पट्टी पट्टी भी करी, तो मतलब बहुत बढ़िया लगा भाई। और वहाँ तो भाई एक तरह से अलग सी भावना आ गया आदमी के अंदर वहाँ जाने के बाद, तो एक तरह से भाई माहौल अलग हो जाए। तो वो तो क्या करे भाई, जैसे माहौल में आदमी जागा, जिस माहौल में आदमी रहेगा तो माहौल उसाई हो जाए, आदमी उसाई हो जाए रहे माहौल के हिसाब से। तो गाइज मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई, मन तो ऐसा करता चलो उड़ता हूँ मैं ना, पर टाइम बहुत हो गया था भाई। तो गाइज अब भी भाई रात हो गई है काफ़ी, तो गाइज मैं इस व्लॉग का कर रहा हूँ यहीं पे एंड, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।